कंजेनाइटल साइनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिनमें कि बच्चे में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होता, जिस वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत डाउन रहती है। इसमें भी जो सबसे कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें कि बच्चे को पैदाइश के तुरंत बाद न्यूनेटल पीरियड में ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो लंग्स को होता है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस रहता है, जिस वजह से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती। ऐसे बच्चे अक्सर एक छोटी सी नली जिसको PDA कहते हैं, उससे थोड़ी सी शंटिंग नॉर्मल ब्लड की लंग्स में होती है और उसी पे इन लोगों का जीवन निर्भर रहता है। इसी वजह से ऐसे बच्चों को नवजात पीरियड में ही, यानी कि कहो तो शुरुआत के एक हफ्ते में या शुरुआत के एक महीने में ही ओपन हार्ट छाती चीर के एक शंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है 2-3 साल का, तो फिर दोबारा कार्डियक सर्जरी करके उसको करेक्शन करा जाता है। इतने छोटे बच्चों में सर्जरी एक बहुत ही रिस्की चीज़ है, एनेस्थीसिया का भी अपना अलग रिस्क रहता है। तो अब विद टेक्निकल एडवांसेस, अब जो है ऐसे बच्चों के लिए जिनका सर्वाइवल एक PDA पे डिपेंड करता है, उनके लिए अब PDA स्टेंटिंग नाम का प्रोसीजर करा जा सकता है, जो कि एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। पैरों की नस के थ्रू जाके हम लोग इस PDA में बैलूनिंग करके इसमें स्टेंट लगा सकते हैं, और खुशी की बात यह है कि अभी रिसेंटली ही हमने ये प्रोसीजर यहाँ ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में सक्सेसफुली करा है, और ये उत्तराखंड स्टेट में इस तरीके का पहला प्रोसीजर है जो हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो इस बच्चे की जो ऑक्सीजन लेवल थी वो करीब 45-50 थी, बच्चा बिल्कुल ही नीला था, और प्रोसीजर करने के बाद ऑन टेबल ही पहले दिन ही शुरुआत के 1 घंटे में ही सैचुरेशन बढ़ के 85-90% के आसपास पहुंच गया। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डक्ट क्लोज हो रहा था और इस बच्चे का जीवन जिस डक्ट पर निर्भर करता था, तो एक एक दिन भारी था, अगर ये डक्ट बंद हो जाएगा तो बच्चा भी आगे नहीं जीवित रह पाता। तो ये सक्सेसफुली ये करा गया, जिसकी वजह से अब बच्चा ठीक है। और सब एक और अच्छी बात क्या है कि अब जो न्यूनेटल पीरियड में हाई रिस्क सर्जरी होनी थी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब सीधे 2 साल बाद इस बच्चे की करेक्टिव सर्जरी करी जा सकेगी। मल्टीपल कार्डियक ऑपरेशंस ओपन हार्ट सर्जरी से बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि एक बार ऑपरेशन के बाद दोबारा ऑपरेशन करने में कठिनाई काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कई बार ऐसे लोगों को 2-2, 3-3 स्टेप में सर्जरीज करनी पड़ती है। तो इस तरीके के प्रोसीजर्स अगर करे जाएँ तो काफ़ी हद तक हम सिंगल स्टेप में करेक्टिव सर्जरीज भी कर पाएंगे। जी, हम बैठ से आए हैं, सहारनपुर हमारा ज़िला है। हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही थी, पहले हम दिल्ली गए जी, एक रात सहारनपुर रहे इससे पहले, तो वहाँ से हमें सहारनपुर से दिल्ली के लिए बोल दिया। दिल्ली गए जी हम, वहाँ आज हमारा बच्चा 25-26 दिन, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं, ऐसे ही चल रहा था जी, ऑपरेशन के बारे में कोई तैयारी नहीं थी, बस भाग दौड़ थी जी। आना जाना था हमारा ट्रेन में, 250-300 किलोमीटर हमें जाना पड़ा था जी। तो रास्ते में एक बार दिक्कत आई, ट्रेन में भी आई बच्चे को दिक्कत, फिर हम रात वापसी हॉस्पिटल ही गए जी। फिर दिखाया हमने जाकर, फिर उन्होंने सुबह छुट्टी कर दी जी हमारी, CT स्कैन हमारा वहीं हुआ, बाकी ऑपरेशन की तैयारी थी। पर 1-1.5 महीना मतलब 20-25 दिन हो गए थे हमें चलते ऐसे ही। तो हम फिर इधर आए जी, हम एक लड़के ने हमें बताया कि ग्रेफिक हॉस्पिटल खुला धूलकोट में, और आप वहाँ चले जाओ रिपोर्ट लेकर वहाँ दिखाना। तो मैं रिपोर्ट लेकर आ जाए यहाँ, फिर रिपोर्ट मैंने दिखाई डॉक्टर साहब को, उसने बोला कि बच्चे को लाओ, बच्चे को भी दिखाओ। तो फिर मैं बच्चा मंगाया जी, बच्चा आ गया हमारा। तो जी उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें यही हमारे बच्चे को भर्ती कर लिया, बोल दिया कि कल इसका ऑपरेशन हम कर देंगे, ठीक है। तो जी फिर हमारे बच्चे का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में 24 घंटे में हमारे बच्चे को सर्जरी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब बढ़िया है, ग्रेफिक हॉस्पिटल, ठीक है। अब बच्चा हमारा नॉर्मल है, डिस्चार्ज करना चाह रहे थे आज 1 हफ्ते के बाद। और आज हम जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं माहिर, ये बच्चा हमारे पास आया तो इस काफ़ी नीला था, इसकी ऑक्सीजन की मात्रा 40% के आसपास रह रही थी, जिसका कारण ये था कि इसके बच्चे के दिल में एक छेद है और साथ ही फेफड़े में खून ले जाने वाली नस नहीं बनी है, जिस वजह से सारा गंदा और साफ खून मिक्स होकर इसके शरीर में जाता है। इस बीमारी का इलाज
आमतौर से दो स्टेप में होता है। एक ऑपरेशन छोटी उम्र में होता है जिसमें कि हम फेफड़े की नस और मेन खून की नस के बीच में एक ट्यूब लगाते हैं, और दूसरा ऑपरेशन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब होता है जिसमें कि फेफड़े के लिए आर्टिफिशियल नस लगाई जाती है। अब इस बार इस बच्चे के लिए हमने खास ये किया कि जो पहला ऑपरेशन का स्टेप था उसको ऑपरेशन के बजाय हमने जो बच्चे के जन्म से ही एक नली बनी होती है जिसको पीडीए कहते हैं, आमतौर से ये बच्चे के पैदा होते ही बंद हो जाती है, इस बच्चे में वो करीब 1 मिलीमीटर की खुली हुई थी, उसी नस में हम लोगों ने छल्ला डाल करके स्टेंटिंग करके उसको खोल दिया और अब वो करीब 3.5-4 मिलीमीटर की नस खुली हुई है जिसके सहारे इस बच्चे का काम 2 से 3 साल की उम्र तक चलता रहेगा। उसके बाद इसका फाइनल ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें कि हम एक आर्टिफिशियल ट्यूब जोड़ेंगे जिससे कि इसके फेफड़े में खून जाना शुरू हो जाए। 1 महीने से भी कम उम्र के नवजात बच्चे में बेहोशी देना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस दौरान बेहोशी के दौरान बच्चे के सारे वाइटल्स हीमोडायनेमिकली हमें स्टेबल रखने होते हैं, सारी मॉनिटरिंग होती है जिसमें कि धमनियों का प्रेशर, हार्ट का प्रेशर, ऑक्सीजन की मात्रा, सभी कुछ हमें संयमित रखना होता है। इस बच्चे की ऑपरेशन के दौरान भी हमने इस सभी को बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम के साथ, डॉक्टर ऐशानी के साथ और डॉक्टर गोपेश जो कि हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर शांतनु जो कि हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मिलकर के हमने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। इस 1 महीने के बच्चे को जब उसकी माँ नीली अवस्था में हमारे पास लेकर आई तो हमारी कार्डियक साइंसेस टीम इसी दुविधा में थी कि जन्मजात फेफड़े की नली ना बने होने के कारण यह जो हालत है इसको संपूर्ण तरीके से इलाज करने के लिए हमें 2 से 3 चरणों में अलग अलग प्रकार की सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें जान का जोखिम बहुत ज़्यादा था। मैं अपनी कार्डियोलॉजी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा खासकर, क्योंकि हम लोगों ने यह चुनौती स्वीकार जब की तो उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस चुनौती को जो अभी तक उत्तराखंड में नहीं की गई थी स्वीकारा और उसको सक्सेसफुल निभाया भी। इस वजह से यह बच्ची एक ऑपरेशन से बच गया है और उम्मीद है कि हम आगे फॉलोअप में इस तरह का उचित प्रयास करते हुए आगे एक सक्सेसफुल आउटकम दे पाएंगे। इसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट नाम की कॉम्प्लेक्स साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज थी। हमारे कार्डियोलॉजी टीम ने इसे पीडीए स्टेंटिंग किया, इसका पीडीए क्लोज हो रहा था। पीडीए एक पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जिसे हम बोलते हैं, अगर वो पेटेंट रहे तो इस बीमारी में हम ऑपरेशन कुछ दिन डिले कर सकते हैं और तुरंत ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी कार्डियोलॉजी टीम ने डॉक्टर राज प्रताप के अंडर में इसकी पीडीए स्टेंटिंग की, और चूँकि ये बच्चा एक न्यूबॉर्न था, 1 महीने के आसपास का था, तो हमने इसे NICU में रखा और पूरी NICU की टीम ने इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया। और आई एम रियली थैंकफुल टू आर ब्यूटिफुल कार्डियोलॉजी टीम एंड ऑल आर NICU स्टाफ एंड ऑल आर डॉक्टर्स हु आर वर्किंग इन NICU टुडे, बिकॉज ऑफ ऑल दोज एफर्ट्स आज हम इस बच्चे को घर भेज पा रहे हैं। तो इस सबसेट के लिए, सबसे सीरियस टाइप के ये जो बच्चे होते हैं, इस सबसेट के लिए ये पीडी स्टेंटिंग एक तरीके से वरदान साबित हो सकती है। अब इसमें चैलेंजेस एक तो ये रहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को प्रोसीजर करने के अपने रिस्क हैं, ब्लीडिंग का रिस्क है, हाइपोथर्मिया का रिस्क है, ये डक्ट का एब्रप्ट क्लोजर का रिस्क है जिसमें बच्चे की जान भी जा सकती है, और इतने छोटे बच्चे को मैनेज करना बिना न्यूनेटोलॉजी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें न्यूनेटोलॉजी टीम से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, डॉक्टर शांतनु, डॉक्टर रिचा, इन लोगों और इनकी टीम ने बच्चे को बहुत अच्छे से प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मैनेज करा। दूसरा, जो ऑपरेशन के समय स्पेसिफिक नीड्स होती हैं इन बच्चे को एनेस्थीसिया की, तो जो हमारे कार्डिक एनेस्थीसिया टीम के डॉक्टर SP गौतम और डॉक्टर ऐशानी हैं जो कि इस छोटे बच्चों को भी एनेस्थीसिया देने में ट्रेंड हैं, बिना उनके एक्सपर्टाइज के ये कर पाना पॉसिबल नहीं था। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तो हो गया बट आगे इस बच्चे की जो करेक्टिव सर्जरी है उसके लिए जो कार्डिक सर्जरी टीम है, डॉक्टर अखिलेश पांडे एंड डॉक्टर पुलकित मल्होत्रा, वो आगे इस बच्चे को फॉलो करेंगे और उनका सपोर्ट हमेशा ही हम लोग के लिए एक एनकरेजिंग रहता है।